हेलो दोस्तों दोस्तों क्या आप लड़की को अपने इशारों पे नचाना चाहते हो? क्या आप लड़की को अपना दीवाना बनाना चाहते हो? क्या आप लड़की को पटाना चाहते हो? या फिर आप लड़की को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो? इन चारों में से कुछ भी करना चाहते हो या फिर चारों ही करना चाहते हो? हाँ लालची तो होते ही हैं यार, हम एक बार में सब कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें करना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप लड़की को पटाना चाहते हो या फिर लड़की को अपने इशारों पे नचाना चाहते हो या फिर लड़की को अपना दीवाना बनाना चाहते हो या फिर लड़की को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो खास कर वीडियो को स्किप वगैरह मत करना और कंटिन्यू एंड तक देखते रहना। और इस वीडियो में जो बताए गए मेरे पॉइंट्स हैं वो और वीडियो में बताए गए पॉइंट्स से थोड़े से अलग होने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखोगे तो जरूर लड़की आपके इशारों पर नाचेगी। तो सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बगल वाली घंटी को दबा दो ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अब बिना समय गवाए चलते हैं अपने वीडियो के सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो है ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। भाई लड़कियां किसी भी टाइप की हो, उन्हें ना कुछ ऐसा पसंद होता है जो कुछ असाधारण हो, मतलब जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। भाई जो साधारण से लड़के होते हैं ना, उन्हें लड़कियां तुरंत रिजेक्ट कर देती हैं। चाहे आप उस लड़की से सच्चा प्यार करते हो, चाहे आप उस लड़की से कितना ही गहरा प्यार करते हो, पर लड़की आपके प्यार की गहराई को कभी समझती ही नहीं है, बल्कि उल्टा लड़की किसी और बंदे से सेट हो जाती है, चाहे वो दिखने में कितना ही बड़ा फुद्दू हो और चाहे उस लड़के का प्यार सच्चा हो ना हो। अब भाई बंदे का प्यार सच्चा है या नहीं है ये तो आप जानते हो ना कि बंदा उससे खाली टाइम पास कर रहा है, लेकिन जबकि आप लड़की से सच्चा प्यार करते थे लेकिन लड़की ने आपको रिजेक्ट करके उसे एक्सेप्ट किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लड़की ने आपको रिजेक्ट करके उस लड़के को एक्सेप्ट क्यों किया। भाई लड़की ने उस लड़के को एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि उस लड़के ने लड़की के आगे अपनी इमेज को टोटली नाटकीय ढंग से पेश किया। उस लड़के ने लड़की को अपनी वास्तविकता बताई ही नहीं कि उसकी रियलिटी क्या है। उसने अपने आप को लड़की के आगे मिस्टीरियस टाइप बना के रखा। अब भाई इसमें लड़की की गलती नहीं है, लड़कियों का नेचर ही ऐसा होता है, वो सामान्य लड़कों को पसंद नहीं करती। तो भाई आप भी लड़कियों के आगे अपने आप को नाटकीय ढंग से पेश करो, चाहे आपकी हकीकत कुछ और ही हो। इससे लड़कियों को लगेगा कि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है जो आपको और साधारण लड़कों से अलग बनाती है, तब आपको लड़कियां हद से ज्यादा पसंद करेंगी। फिर जो आप करना चाहो वो करो, तो भाई लड़की के आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है भाई अपनी सोच को बदलो। भाई आप जिस भी किसी लड़की को अपने इशारों पर नचाना चाहते हो ना, उस लड़की को ये दर्शाओ कि वो लड़की आपके लिए आपकी लाइफ में आपके एक फैमिली मेंबर से भी बढ़कर है। पर यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, खाली लड़की को दर्शाना है, दिखाना नहीं है, खाली उसको हिंट देनी है। और थोड़ी सी कोशिश ये करो, अगर कर सकते हो तो उस लड़की को थोड़ा सा उसके फ्रेंड सर्कल से दूर करो, क्योंकि अगर लड़की अपने फ्रेंड सर्कल से दूर होगी तो लड़की को अकेलापन महसूस होगा, और जहां लड़की को अकेलापन महसूस होगा उतना ही आपके लड़की के नजदीक आने के चांस बढ़ जाएंगे। और इस बीच आप लड़की के दिल में अपने लिए जगह भी बना पाओगे। और जब आपने लड़की के दिल में एक बार जगह बना ली ना, फिर उसका साथ एकदम से छोड़ दो, फिर देखना लड़की आपकी कैसे दीवानी होती है। तो थोड़ी सी और लड़कों से अपनी सोच को बदलो। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है लड़की की मेंटली नीड को समझो। भाई हर लड़की के पास्ट की कुछ अच्छी मेमोरीज होती हैं जिनके साथ उनकी कुछ अच्छी यादें होती हैं, जैसे कॉलेज लाइफ की कुछ मेमोरीज और स्कूल लाइफ की कुछ मेमोरीज और चाइल्डहुड लाइफ की कुछ मेमोरीज, या फिर अपनी फैमिली को लेकर कुछ अच्छी मेमोरीज होती हैं। और इन मेमोरीज में आपको वो ढूंढना है जो उस समय लड़की को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। उसके बाद आपको लड़की की नजरों में उन मेमोरीज को ताजा करना है और उन सब अच्छी मेमोरीज को लड़की को याद दिलाना है जो उसके साथ उसके पास्ट में हुई थी। और ये सब करने के बाद आप लड़की की नजरों में उन सब मेमोरीज को ताजा कर दोगे जो उसके पास्ट में उसके साथ हुई थी, जिसको वो लड़की सबसे ज्यादा मिस करती है। और ये सब करने के बाद मेरे भाई आपने लड़की को वो सब दे दिया जिस चीज की लड़की को मेंटली नीड थी। और जब लड़की को कोई ऐसा लड़का मिल जाता है जो उसकी मेंटली नीड को समझता है तो लड़की उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो भाई लड़की की मेंटली नीड को समझो। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है अपने अंदर के गुण को पहचानो। भाई हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है, जैसे शेर के अंदर शिकार करने का गुण है, चींटी के अंदर अपने से ज्यादा वजन उठाने का गुण है, ऐसे ही भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई गुण दिया है, कोई ना कोई क्वालिटी दी है। जैसे किसी के पास लीडर बनने का गुण है। अब आपको थोड़ा सा डीपली समझाता हूँ, जो महेंद्र सिंह धोनी साहब है ना, जो किसी टाइम पे हमारी इंडियन टीम के कैप्टन थे, ये किसी टाइम पे फुटबॉल खेलना पसंद करते थे और ये अपनी लाइफ में फुटबॉलर बनना चाहते थे,
लेकिन धोनी के अंदर उससे अच्छी क्वालिटी थी, वो फुटबॉल से अच्छा क्रिकेट खेल सकते थे। तो उन्होंने सही टाइम पर अपनी सही क्वालिटी को पहचाना और चुना, और इसी क्वालिटी की वजह से लड़कियां क्या भाई, बहुत से लोग उनके इशारों पर नाचते हैं। ऐसे ही आपको अपने अंदर के उस गुण को पहचानना है और उस क्वालिटी को बाहर निकालना है, जिससे लड़कियां क्या, दुनिया आपके इशारों पर नाचे। तो भाई अपने दबे हुए उस टैलेंट को बाहर निकालो और उस गुण को पहचानो जो आपके अंदर ही कहीं छिप कर बैठा है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो है हमेशा मीठी बातें मत बोलो। भाई आजकल की जो लड़कियां हैं ना, इतनी चालाक हो चुकी हैं, मतलब बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है उनको, वो भी बंदे और बंदे के इरादों को बहुत जल्दी समझ जाती हैं। तो लड़की से हमेशा मीठी मीठी बातें करोगे तो लड़की को पता चल जाएगा कि आप उस पर लट्टू हो और आप उसे इम्प्रेस करना चाहते हो। और जहां ये चीज लड़की को पता चल जाती है ना, वो आपसे उतना ही दूर हो जाती है और लड़की खूब भाव खाती है, फिर आपका काम बिगड़ जाता है। तो भाई लड़की को मीठी बात के साथ साथ एक छोटी सी कड़वी बात बोलनी पड़ेगी, और ये कड़वी बात तभी बोलना जब आपको लगे लड़की कुछ गलत कर रही है या कुछ गलत बोल रही है। तो आपको अगर लड़की को अपने इशारों पर नचाना है तो आपको कुछ मीठी और कड़वी बातों का बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि भाई लड़की के मन में अक्सर उन्हीं लोगों का ख्याल चलता है जिनकी बात में एक बैलेंस होता है। और भाई ये ट्रिक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बस इस चीज का ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा कड़वी बात मत बोलना, वरना हो सकता है लड़की आपके पास आने से पहले ही दूर हो जाए। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट की तरफ, जो है अपनी फिजिकल अट्रैक्शन को इम्प्रूव करो। भाई जब किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की बात आती है या किसी भी लड़की को पटाने की बात आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फिजिकल अट्रैक्शन की बात आती है। भाई फिजिकल अट्रैक्शन आपकी वो चीज होती है, इसमें ना ही आपको लड़की के पास जाना होता है और ना ही लड़की से किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट करना होता है। और जो आपका फिजिकल अट्रैक्शन होता है ना, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है और यही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस भी होती है। अगर आपका फिजिकल अट्रैक्शन अच्छा है, यानी कि शारीरिक आकर्षण अच्छा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आपका शारीरिक आकर्षण अच्छा नहीं है, तो यही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो भाई फिजिकल अट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कपड़ों का ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्मल एज के हो मेरी तरह, तो आपको कैजुअल कपड़ों पर ज्यादा जोर देना है और उसके साथ कैजुअल शूज भी पहनने हैं। और इससे बढ़िया ये कि समय और जगह के हिसाब से कपड़े पहनो, कहीं भी कुछ भी मत फंसा लिया करो। पार्टी में पार्टी वेयर पहना करो, ऑफिस में ऑफिशियल वेयर, और कॉलेज वगैरह में कैजुअल वेयर भी पहन सकते हो। और आप अपनी फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कोई अच्छा सा बॉडी स्प्रे मार सकते हो, अच्छा सा हेयर कट करा सकते हो, थोड़ी बहुत जिम भी जा सकते हो अगर जा सकते हो तो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो, वहां पर कुछ लिंक्स दिए हैं मैंने जो आपकी फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ाने में चार चांद लगा देंगे। तो भाई अपनी फिजिकल अट्रैक्शन को इम्प्रूव करो। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने सेवंथ पॉइंट की तरफ, और उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज कर दो, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दो, जो बगल में घंटी आती है उसे दबा दो। सेवंथ पॉइंट है भैया सोचो सीखो और समझो। भाई आपको सोचना है, सीखना और समझना है। भाई आपको लड़की को ऐसा करना है कि लड़की को पता ना चले कि आप उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हो और उसे अपने इशारों पे नचाना चाहते हो, बल्कि लड़की को ऐसा लगना चाहिए जो भी आप उसके साथ कर रहे हो, मतलब मेरे बताए गए पॉइंट्स आप उसके साथ यूज कर रहे हो या जो भी उसके और आपके बीच हो रहा है, ये सब कुछ लड़की के मुताबिक हो रहा है, सब कुछ लड़की की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। और ये सब होने के बाद लड़की कब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ये लड़की को पता भी नहीं चलेगा। और कब लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ गई, कुछ समझ नहीं पाएगी, भाई लड़की टोटल स्टक हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझनी है, लड़की को ये चीज कभी मत समझने देना, उसे एक सस्पेंस में ही जीने देना। जबकि लड़की सोचेगी सब कुछ लड़की के अनुसार हो रहा है, लेकिन भाई सच्चाई तो ये है, लड़की आपके अनुसार सब कुछ कर रही है और उसकी लाइफ का रिमोट तो आपके हाथ में है। अब यहाँ पर आपको सब चीज सीख कर और सही टाइम सोच कर, मतलब भाई अब आपको पता चल चुका है कि लड़की अब आप में पूरी पूरी दिलचस्पी ले रही है, तो अब आपको यहाँ पर लड़की के आगे अपना प्रपोजल रख देना है। तो भाई ये जो आखिरी काम है ना, ये आपको बहुत सोच के समझ के और सीख के करना है, क्योंकि अगर यहाँ आपने कोई गलती कर दी तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि भाई 95% लड़के ना यही मार खा जाते हैं। तो भाई यही चीज आपको बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी। और भाई एक चीज नोट कर लो, हर लड़की का स्वभाव अलग अलग होता है, हर लड़की पर हर तरीका काम नहीं करता, क्योंकि भाई हर लड़की का नेचर अलग अलग होता है। बट भाई मेरा नेचर एक ही है, आपसे लड़की पटवाना। तो दोस्तों हो सकता है ये वीडियो आपको दोबारा भी देखनी पड़े, तो आपको इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा और बारीकी से समझना पड़ेगा जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। और दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाने में टाइम लगता है और बहुत ज्यादा दिमाग खर्च होता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो भाई पाप लगेगा आपको, तो वीडियो को शेयर कर देना प्लीज यार। दोस्तों मैं कर दिया करो वीडियो शेयर, आप शेयर वगैरह नहीं करते हो, प्लीज यार कर दिया करो भाई, प्लीज प्लीज कर दो। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
प्लीज कर दो यार। और साथ में ना बगल में घंटी आएगी, घंटी को हल्का सा प्रेस कर दिया करो। उससे यही होगा, जैसी वीडियो अपलोड होगी आपके पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा। पैसे नहीं खर्च होंगे भाई, कर दो। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर दो। और अगर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है तो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको इंस्टा की आईडी भी देने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब